नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। हर शहर में कुछ ना कुछ समय पर बदलाव होते रहते हैं और ये बदलाव विकास का एक पैमाना होते हैं। हम आपको इस समय उत्तर प्रदेश की झांसी का बीकेडी से सीकरी बाजार जाने वाले मार्ग का यह हिस्सा दिखा रहे हैं और यहाँ पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सड़क किनारे फुटपाथ पर एक खूबसूरत चीज़ बनाई गई है, जिसके बारे में हमने आपको पूर्व में भी जानकारी दी थी। यहाँ पर सड़क किनारे फुटपाथ पर जो उंगलियों से योग की मुद्राएं हैं वो दिखाई गई हैं, लेकिन हम आपको अब इन योग मुद्राओं का जो पूरा विस्तार से लिखा गया है उसके बारे में दिखाते हैं और यहाँ जो निर्माण चल रहा है उसको भी दिखाते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर जो योग मुद्राएं उंगली से हैं वो यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं और हर उंगली से किस प्रकार का योग किया जाता है और इसके क्या लाभ हैं इसको भी यहाँ पर लिखा गया है। जैसे ये जो मुद्रा देख रहे हैं आप सामने, इसको वायु मुद्रा कहते हैं। जी हाँ, वायु मुद्रा का यह नमूना है और इसके करने से असंसाधित भावनाओं को मुक्त करने में मदद मिलती है, चिंता और आलस्य को कम किया जाता है। यहाँ पर जो योग मुद्राएं उंगली की हैं वो यहाँ पर दर्शाई गई हैं और उसके साथ में यहाँ पर इनके बारे में भी लिखा गया है। ये वायु मुद्रा कहा जाता है इसे। इसी प्रकार एक और दूसरी जो मुद्रा करती हुई मूर्ति है वो भी हम आपको दिखाते हैं। इसको जो आप देख रहे हैं इसको ज्ञान मुद्रा कहा जाता है। जी हाँ, यह ज्ञान मुद्रा की अवस्था है और इसको करने से जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है कि स्मरण शक्ति बढ़ती है, दिमाग तेज होता है और एकाग्रता आती है। तो यह जो आप उंगली मुद्रा देख रहे हैं उसके यहाँ पर अब फायदे भी लिख दिए गए हैं ताकि यहाँ पर आप आएँ, जब इसको देखें तो आपको जानकारी हो सके कि इनके करने से क्या लाभ होता है। कई सारी यहाँ योग मुद्राएं जो लिखी गई थी, बनाई गई थी, अब उनके बारे में यहाँ पर लिखा गया है और यह है वरुण मुद्रा। जी हाँ, यह जो आप देख रहे हैं डिजाइन, इसको वरुण मुद्रा कहते हैं और इसके करने से नकारात्मक भावनाएं दूर होती हैं, एकाग्रता और मानसिक स्पष्टता आती है। तो ये है आपकी वरुण मुद्रा। जी हाँ, ये वरुण मुद्रा है जो यहाँ पर दर्शाई गई है और ये है प्राण मुद्रा। इसको आप देख रहे होंगे, ये प्राण मुद्रा है और इसके बारे में भी यहाँ लिखा गया है कि आँखों की रोशनी में सुधार, रोगों के प्रति शरीर में प्रतिरोधक क्षमता इससे बढ़ती है। तो यह है प्राण मुद्रा। जी हाँ, प्राण मुद्रा का एक और स्वरूप यहाँ पर दर्शाया गया है, ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ भी प्राण मुद्रा ही इसे कहा जाता है और उसमें आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि नियमित रूप से करने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाया जा सकता है, कानों में होने वाले दर्द में यह फायदा पहुंचाता है। तमाम प्रकार के जो उंगलियों की योग मुद्राएं हैं उसका यहां पर प्रदर्शन किया गया है और यह है सूर्य मुद्रा। यहां सूर्य मुद्रा कह सकते हैं इसे आप। ये इस प्रकार से है उंगली, आप देख सकते हैं कहाँ है और अंगूठा कहाँ लगाया जाएगा, ये इसमें है दर्शाया गया है और ये सूर्य मुद्रा है और इसको करने से शरीर को संतुलित करता है, यह वजन मोटापा कम करता है और तनाव जिसे स्ट्रेच कहते हैं वह कम हो जाता है। तो यहाँ पर जो बीकेडी से सीपी बाजार जाने वाले मार्ग पर पंचतंत्र पार्क के सामने ये उंगलियों की जो योग मुद्राएं बनाई गई हैं अब उनके बारे में पूरा विस्तार से भी लिख दिया गया है कि योग मुद्राएं जो उंगलियों की हैं वो कैसे फायदा पहुंचाती हैं। फिलहाल यह झांसी वासियों के लिए एक अच्छी जानकारी है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए
और देखते रहिए मार्केट संवाद की रिपोर्ट झांसी।